हेलो दोस्तों, वीडियो को आरंभ करने से पहले हम लोग ट्रिपल सी के झारखंड सामान्य ज्ञान के बेस्ट बुक के बारे में बात करेंगे। तो ये जो बुक है दोस्तों, ये चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया, जिस बुक का नाम है झारखंड सामान्य ज्ञान। ये बुक झारखंड में होने वाले किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें 3000 से भी ज़्यादा बहुविकल्पिक टाइप का प्रश्न मौजूद है। ठीक है, यदि यह बुक को आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दो माध्यम यहाँ पास दिया गया है, दोनों माध्यम से इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। इस बुक से संबंधित क्यूरी के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग वीडियो को आरंभ करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हम लोगों ने टॉपिक लिया है वो लिया है झारखंड का अपवाह तंत्र। ठीक है, और उसके साथ साथ झारखंड के प्रमुख जलप्रपात, और उसके साथ साथ झारखंड के प्रमुख गर्म जलकुंड। ठीक है, यानी कि इन सभी टॉपिकों से रिलेटेड हम लोग 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को करने वाले हैं, जो कि आगे आने वाले झारखंड के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जो आज का पहला प्रश्न है वो है कि पुराणों में किस देव नदी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो पुराणों में है कौन से नदी को जो है वो देव नदी के नाम से जानते थे। ठीक है, तो दामोदर नदी को हम लोग देव नदी के नाम से जानते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आज का कि दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है। ठीक है, तो बात करेंगे कि दामोदर नदी की कुल लंबाई, तो इसकी कुल लंबाई है 592 किलोमीटर। ठीक है, दामोदर नदी की कितनी लंबाई है, तो 592 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है यहाँ से कि झारखंड की सबसे बड़ी एवं लंबी नदी जो है वो कौन है। तो बताना है कि झारखंड के सबसे बड़ी और लंबी नदी जो कौन है। ठीक है, तो जो दामोदर नदी है वो झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी है। ठीक है, कितनी इसकी लंबाई है, तो इसकी लंबाई है 592 किलोमीटर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि किस एक ज़िले में दामोदर नदी प्रवाहित नहीं होती है। जो निम्नलिखित में से चार ऑप्शन दिए हुए हैं, एक में जो है दामोदर नदी का प्रवाह नहीं है, तो आपको बताना है कि कौन से ज़िला में इसका प्रवाह नहीं है। ठीक है, तो दामोदर नदी जो है वो कोडरमा में नहीं प्रवाह यानी नहीं बहता है, बाकी हजारीबाग, धनबाद और रांची, ठीक है, तीनों जिलों में बहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं पाँच नंबर प्रश्न की ओर। दामोदर घाटी परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो दामोदर घाटी जो परियोजना है दोस्तों, वो पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ था, जो कि वर्ष 1948 में आरंभ हुआ था, याद रखिएगा वर्ष 1948। सिक्स नंबर प्रश्न है कि कौन सी परियोजना टेंसी घाटी परियोजना पर आधारित है। ठीक है, तो बताना है कि झारखंड की वो कौन सी परियोजना है जो टेंसी घाटी पर आधारित है, तो हो जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। तो 7 नंबर का प्रश्न है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कुल कितने बांध निर्मित हैं। तो आपको बताना है कि दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत जो है वो कुल कितने बांध आता है, यानी जिसे बनाया गया है। तो कुल 8 बांध जो हैं दोस्तों, वो दामोदर घाटी के निर्माण के तहत आता है। ठीक है, 8 बांध, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर कि झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो झारखंड से बहने वाले दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो इजी प्रश्न भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हैं, तो जो प्रश्न का आंसर आपको मालूम हो दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, उसके बाद ही यहाँ से दिए गए उत्तर को सुने। 9 नंबर का प्रश्न है कि ब्राकर किसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो ब्राकर के बारे में पूछा गया है कि ब्राकर किसकी सहायक नदी है, तो ब्राकर जो है वो दामोदर नदी का सहायक नदी है, याद रखिएगा दामोदर नदी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर कि कोयला क्षेत्र के पास से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम बताना है। जो कोयला क्षेत्र के पास से होकर के गुजरता है, तो वो नदी है ब्राकर नदी। ठीक है, याद रखिएगा ब्राकर नदी। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर।
झारखंड राज्य का चर्चित मैथन डैम किस नदी पर बना है? ठीक है, तो जो झारखंड राज्य का जो चर्चित मैथन डैम है वो जो है बराकर नदी पर ही बनाया गया है। ठीक है, बराकर नदी पर कौन सा डैम बनाया गया है? तो मैथन डैम। आगे है कि कल्याणेश्वरी देवी का मंदिर झारखंड में किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो ये जो मंदिर है ये भी बराकर नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा, ये भी जो है वो बराकर नदी के किनारे पर ही स्थित है। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्वर्णरेखा नदी का मूल स्थान है, मतलब जहाँ से स्वर्णरेखा नदी निकलता है? ठीक है, तो छोटा नागपुर का जो पठार है स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल वहीं है। ठीक है, याद रखिएगा छोटा नागपुर का पठार। 14 है कि झारखंड की किस नदी में सोने का अंश पाया जाता है? तो स्वर्णरेखा नदी में सोने का अंश पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। आगे है कि किस स्थान पर स्वर्णरेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है? ठीक है, तो किस स्थान पर 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है? तो ये है हुंडरू जलप्रपात, यानी कि जहाँ पास स्वर्णरेखा नदी 320 फीट के ऊंचाई से गिरती है वहाँ पास क्या बनाती है? तो वहाँ पास हुंडरू जलप्रपात बनाती है। याद रखिएगा, हुंडरू जलप्रपात बनाती है। प्रश्न नंबर 16 है आगे कि स्वर्णरेखा नदी हुंडरू जलप्रपात से कितनी ऊंचाई से गिरती है? तो अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं कि 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर कि झारखंड राज्य की कौन सी एकमात्र नदी जिसे बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ठीक है, यहाँ पास है कि सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जो स्वर्णरेखा नदी है दोस्तों वो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है, झारखंड की एकमात्र नदी ऐसी है। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी याद रखिएगा। आगे है गोतल सूद और चांडिल डैम किस नदी पर है? ठीक है, तो जो गोतल सूद और चांडिल डैम है वो कहाँ है? तो वो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा स्वर्णरेखा नदी। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। तो 19 नंबर का प्रश्न है यहाँ से कि देवघर जिले में स्थित त्रिकुट पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। ठीक है, तो वो नदी है मयूराक्षी नदी, याद रखिएगा मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी की सहायक नदी है, तो मयूराक्षी नदी की सहायक नदी, ठीक है, तो मयूराक्षी नदी की सहायक नदी कौन है? तो है गंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर कि मसान जो डैम किस नदी के किस देश की सहायता से बनाया गया? ठीक है, तो जो मसान डोर जो डैम है वो कनाडा की सहायता से बनाया गया है। ठीक है, कनाडा। आगे है कि मसान जोर डैम किस नदी पर बनाया गया परियोजना है? ठीक है, तो ये जो है मयूराक्षी नदी पर बनाया गया परियोजना है, याद रखिएगा मोर या मयूराक्षी नदी इसको बोल सकते हैं। आगे है 23 नंबर का प्रश्न कि झारखंड मयूराक्षी परियोजना किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ठीक है, तो जो मयूराक्षी परियोजना है वो झारखंड पश्चिम बंगाल का एक संयुक्त परियोजना है। आगे है 24 नंबर का प्रश्न कि झारखंड में स्थित बैरवे का मैदान किस नदी बेसिन क्षेत्र में विस्तृत है? ठीक है, तो है शंख नदी, यानी कि शंख नदी के क्षेत्र में यह विस्तृत है। आगे है 25 नंबर का प्रश्न कि दक्षिण कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो दक्षिण कोयल की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है कारू नदी। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर के प्रश्न की ओर
निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम केंद्र अमरकंटक की पहाड़ी है? ठीक है, तो सोन नदी से कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, याद रखिएगा सोन नदी। आगे है इसके बाद कि झारखंड राज्य से उत्तर प्रदेश की सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती है? ठीक है, तो सोन नदी जो है वो झारखंड राज्य और उत्तर प्रदेश की सीमा को निर्धारित करती है, याद रखिएगा सोन नदी। आगे है कि बूढ़ी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है बूढ़ी नदी, याद रखिएगा उत्तरी कोयल की सहायक नदी है बूढ़ी नदी। आगे है कि औरंगा एवं अमानत किसकी सहायक नदियां हैं? तो औरंगा और अमानत जो है वो उत्तर कोयल की सहायक नदियां हैं, ठीक है, औरंगा और अमानत जो है उत्तर कोयल की सहायक नदियां हैं, इनका बहाव क्षेत्र प्लामू में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है कि बेतला नेशनल पार्क के समीप कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो बेतला नेशनल पार्क के समीप जो नदी प्रवाहित होती है वो है बूढ़ी या बूढ़ा घाघ नदी। आगे है कि उत्तर छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली किस नदी को निरंजना या लीलांजन नदी कहते हैं? तो फल्गु नदी को निरंजना या लीलांजन नदी कहते हैं। इसी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। आगे है 32 कि किस नदी की उत्पत्ति पांच जलधाराओं से मिलकर होती है? ठीक है, तो उस नदी का नाम है चानन या पंचानन नदी। पंचानन इसलिए बोला जाता है क्योंकि पांच जलधाराओं को मिलने से पंचानन नदी बनता है, इसीलिए उसका नाम पंचानन या चानन नदी है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किस नदी को किकट और बमागधी के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो किसको जाना जाता है? तो पुनपुन नदी को जाना जाता है। आगे है कि छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली पुनपुन नदी किसकी सहायक नदी है? तो छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगा नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न की ओर कि किऊल नदी झारखंड के किस जिले में से निकलती है? तो जो किऊल नदी है वो गिरिडीह जिला से निकलती है, याद रखिएगा गिरिडीह जिला से निकलती है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है? तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात लातेहार जिला में है। ठीक है, लातेहार जिला याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक है, तो है बूढ़ा घाघ। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? वो है बूढ़ा घाघ। आगे बढ़ते हैं, हुंडू जलप्रपात झारखंड की किस नदी पर स्थित है? तो वो है स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तो स्वर्णरेखा नदी। आगे है, मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो मोतीझरा जलप्रपात अजय नदी पर स्थित है। आगे है 40 नंबर का प्रश्न कि किस जलप्रपात के बारे में कहा जाता है कि इसकी बूंदे मोतियों के समान दिखाई देती है? ठीक है, तो किस जलप्रपात के बारे में ऐसे बोलते हैं? तो मोतीझरा जलप्रपात, इसीलिए इसका नाम था मोतीझरा, क्योंकि इसके जो बूंदे हैं वो मोतियों के समान दिखाई देते हैं। आगे है, उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो जो उसरी जलप्रपात है वो गिरिडीह जिला में स्थित है।
आगे बढ़ते हैं कि जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो जोन्हा या गौतम धारा जो जलप्रपात है वो रारू नदी पर स्थित है, याद रखिएगा रारू नदी। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर प्रश्न की ओर। किस जलप्रपात को गौतम धारा के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि भगवान बुद्ध ने वहां स्नान किया था, ठीक है, और उनका नाम बचपन का क्या था, गौतम, इसीलिए वहां पास जो जलप्रपात है उसका नाम क्या हो गया था, तो उसका नाम हो गया था जोन्हा जलप्रपात जो कि गौतम धारा नदी पर है। आगे है 44 नंबर का प्रश्न कि झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध दशम जलप्रपात बनता है, ठीक है, तो जो जलप्रपात दशम फॉल्स है वो कौन से नदी पर है, तो रांची में कांची नदी पर है, याद रखिएगा कांची नदी। आगे है सधनी घाग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो जो सधनी घाग जलप्रपात है वो शंख नदी पर स्थित है, याद रखिएगा शंख नदी। आगे है कि रजरप्पा जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो रजरप्पा जलप्रपात जो है वो रामगढ़ जिला में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, रजरप्पा जलप्रपात किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो दामोदर और भेड़ा के संगम पर रजरप्पा जलप्रपात स्थित है। आगे है कि झारखंड का प्रसिद्ध गर्म जल कुंड सूरज कुंड किस जिला में अवस्थित है, तो सूरज कुंड हजारीबाग जिला में स्थित है, वहाँ का टेम्परेचर जल का है 88 डिग्री सेल्सियस। ताता पानी गर्म जल कुंड राज्य में किस जिले में स्थित है, तो है लातेहार में, ठीक है। आगे है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न की हुटार गर्म जल कुंड किस बेसिन क्षेत्र में स्थित है, तो ये जो है उत्तर कोयल। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आप जेएसएससी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेकआउट जरूर करें, और हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए यानी लगातार इसी प्रकार से जेएसएससी एग्जाम से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।